तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं बाग बाजार पूजा पैंडल पे। काफ़ी बड़ा पैंडल है इन लोगों का और क्राउड भी ठीक ठाक है। तो लेट्स सी, आगे जाकर देखते हैं। बाहर देखिए तो काफ़ी स्पेस है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे फूड स्टोर वगैरह भी है और यहाँ पे एक सेल्फी जोन तो है ही। और ये रहे मेरे फ्रेंड्स, वहाँ पे अभी एक अंकल वो मतलब दुर्गा का पोज दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वो भी विथ फुल कॉन्फिडेंस, जीप वीप निकाल कर, बट फिर भी निकाल रहा है वो। खूब भालो। तो यू कैन से इट्स अ सेल्फी जोन, ये काफी अच्छी चीज है। अभी हम लोग हो रहा है थोड़ा फोटो सेशन करेंगे, अभी पार्थो पोज देते हुए। ठीक है ठीक है, तू जैसे तैसे खड़ा हो जा ब्रो, तू फनी दिखता है। तू ये पकड़ ले, तू ये पकड़ ले, तू ये पकड़ ले। देखो देखो, धरंदर की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीना। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में घोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बाकी लोग हम लोगों को देखते हुए, सब तेरे को ही देख रहे थे। तो अभी हम लोग आए हैं कुमोटोली सार्वजनिक मंडप में, तो काफी यूनिक सा इनका थीम है। तो आगे से जाकर देखते हैं, आई गेस रात में यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का अच्छा एक व्यू मिलता, तो जो भी हो। Here's the view. काफी एपिक है। हाँ, ये लाइट्स मैंने से रात में मस्त लगता, जो भी इट्स स्मॉल बट प्रिटी। यहाँ पे भी रिपोर्टिंग हो रहा है पर मैं रिव्यू नहीं देने वाला हूँ। वो अंकल मेरे कैमरा की तरफ देख रहे थे, आज तेरा फोन नीचे कर एक बार। जो भी हो छोड़ो, मुझे क्या, मैं वो काम अब छोड़ दिया हूँ। तो जो भी हो गया, हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट मंडो कुमोटोली पार्क में। और बहुत गर्मी है, मास्क पहना नहीं जा रहा, फिर पहनना पड़ रहा है। पहनो पहनो, मैं सेकंड डोज हो गए, फिर भी मास्क पहनना पड़े। आप लोग भी पहनो बस, और क्या बोलो बोलो। अभी थोड़ा सांस लेने, मास्क लेने के लिए खुला है, अभी थोड़ा सांस लेने के लिए खुला है। ये भाई आने के टाइम में फोटो खींचेंगे। तो कुमोटोली सार्वजनिक देखने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं कुमोटोली पार्क में। तो ये वाला पैंडल भी काफ़ी यूनिक सा है, इसका शेप देखो तो काफ़ी अलग है और रेड कलर भी है, तो रेड काफ़ी प्यारा कलर है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पैंडल के सामने में थोड़ा ये लोग पानी देखकर मतलब एक पूल टाइप का बना है, तो आई होप रात को देखने में अच्छा लगेगा ये। और प्रतिमा की बात की जाए तो वो भी काफ़ी यूनिक है। तो हियर इज द व्यू। सो
सो ये था कुमोटोली पार्क का पैंडल। तो अभी चलते हैं, अभी हम लोग जस्ट कुमोटोली के दोनों मंडप देख चुके हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं तीन, अभी हम लोग जाने वाले हैं मोहम्मद अली पार्क। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोहम्मद अली पार्क। हम लोगों ने मास्क पहना है, हम तीनों ने, पर उधर वो तीन पुलिस ऑफिसर्स नहीं पहने, तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, चलता है ऐसा। तो अभी हम लोग कुमोटोली को टाटा बोलते हुए चलते हैं। कुमोटोली पार्क से निकलते हम लोग को कुछ इस तरह का एक घर दिखता है, काफ़ी पुराना है, 1890 लिखा हुआ था। तो ऐसे घर आपको नॉर्थ कोलकाता में मिलेंगे, और सच बताऊँ तो ये सब प्लेसेस काफ़ी फोटोजेनिक है, काफ़ी अच्छे फोटोज आएंगे। तो अभी हम लोग कुछ फोटो वोटो खींचेंगे, उसके बाद चलते हैं मोहम्मद अली पार्क। तो ये है मोहम्मद अली पार्क का पूजा मंडप और प्रतिमा। मोहम्मद अली पार्क बहुत ही फेमस है अपने दुर्गा पैंडल के लिए, हर साल ग्राउंड के अंदर होता है, पर इस बार ये लोग बाहर ही कर दिए, ये सीलिंग के सामने में। तो आप लोग रास्ते से भी जाओ तो आप लोग को दिख जाएगा। सो बस यही था मोहम्मद अली पार्क, उन लोग का भी फोटो सेशन चल रहा है। और तो दैट्स इट, ये हम लोगों ने बस में आने के टाइम ही देख लिया था। तो जो भी हो, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मंडप। पार्क ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज स्क्वायर का मंडप देखने। तो धूप काफ़ी है और हम लोग जा रहे हैं, बस पता नहीं रास्ता इतना सुनसान क्यों है। अच्छा बट तो कैसा लग रहा है? यो, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है कोई लड़की नहीं है ना साथ में। हाँ, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बात तो सही बोला बार्थू, काफी भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो ये कचौड़ी और आलू की सब्जी। लोग आ गए कॉलेज स्क्वायर। तो ये है कॉलेज स्क्वायर का प्रतिमा, काफ़ी सुंदर और ट्रेडिशनल है। और अगर पैंडल की बात की जाए तो देखते हैं ये एक सिनेमैटिक शॉट। तो ये था कॉलेज स्क्वायर का पूजा मंडप। अभी हम लोग चलते हैं आगे, इसके बाद कहाँ जा रहे हैं हम लोग? संतोष मित्र सर। चलो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट्स वॉक करने के बाद हम लोग आ गए हैं संतोष मित्र स्क्वायर में। तो एकदम आवर वॉक वाज वर्थफुल लिटरली, जस्ट लुक एट द पैंडल, डैम लग नहीं रहा पैंडल है, रियल लग रहा पूरा। सो सब ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो चलो पूरा पैनल का व्यू दिखाता हूँ।
और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शियालदा, तो लेट्स गो। काफी धूप है, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे लिए वेट भी नहीं किए, आगे बढ़ गए वो लोग। हम लोग जा रहे हैं शियालदा स्टेशन की तरफ। अभी जितनी धूप है अभी और कुछ नहीं, अब हम लोग जाएंगे थोड़ा रेस्ट लेकर शाम को निकलेंगे। तो अभी हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और ये शियालदा मार्केट है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो पूरा सेटअप हो गया। फ्लैट में जाएंगे और वहाँ जाके फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर फिर वापस शाम को निकलना है, तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन पे चले। ट्रेन काफ़ी खाली था क्योंकि कोविड के टाइम बस 50% पैसेंजर्स अलाउड है, और हम लोग काफ़ी आराम से गए। तो अगर वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो और मुझे भी अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। ये वीडियो का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड किया है, आप लोग वो भी देखिए। फिलहाल तो मैं फ्लैट में जा रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। हम लोग फ्लैट में घुसे थे, आकर नहाए, खाए, सोए, अभी बस रेडी वेडी होकर निकल रहे हैं। अभी हम लोग निकल पड़े हैं फिर से, मैं और आटो। इस टाइम हम लोग रिक्शा में हैं, पर फ्रेश होकर, जब आ रहे थे तब एकदम एग्जॉस्टेड थे। आटो इस बार भी हाउस द जोश, बोलना बिल्कुल थकेला एकदम इंसान है ये, जो भी इसलिए मेरे व्लॉग्स वायरल नहीं हो रहे, टूटी किस्मत। एनीवेज तो आवर ग्रुप हैज एक्सटेंडेड नाउ, वी हैव सिक्स मेंबर्स हैं, हम सिक्स ना सेवन और पूरा सेटअप हो गया। हेलो तो बस से उतर के बात करते हैं। तो अभी हम लोग बस से उतर गए हैं और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सुरुचि संघ का दुर्गा पूजा। और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम लोग अच्छे टाइम पे आए हैं, तो खाली खाली पे चले जाएंगे। और हम लोग जैसे जैसे पैंडल के पास में जा रहे हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ते जा रही है, पर फिर भी आई विल टेक अ सिनेमैटिक शॉट फॉर यू, तो एन्जॉय दैट। तो लिटरली ये वाला पैंडल वॉज जस्ट ऑसम, मतलब सच में द थीम एंड एवरीथिंग वॉज देखने लायक था। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैंडल के तरफ। वी आर इन अलीपुर सार्वजनिक, ये एंट्रेंस है इसका, तो इसका मज़ा रात में ही आने को। डैम
दिस वन वॉज ऑसम टू, मतलब क्या बोलो, और अंदर घुस नहीं पा रहे। उसी तरह हम लोग आसपास के कुछ और भी पैनल हॉपिंग किए, पर इतना भीड़ में मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो बस देख लो सिचुएशन कुछ इस तरह का था। रेस्टोरेंट का एक व्यू दिखाऊंगा, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी छोटा स्पेस है पर तो मैं खा रहा हूँ फ्राइड राइस और ये लोग बाकी सब लोग खा रहे हैं चिकन बिरयानी। एज सच यू नो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो विल ईट परसों। कैसा लग रहा है देखो, तो अभी हम लोग खाते हैं, बस हम फूड रिव्यू इतना ही देंगे। लोगों ने अभी बस खाना ख़त्म किया है। पार्थो कैसा लगा? चलो, अभी घर जाना है। ओके, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। वी हैड गुड फूड। चलो बाय बाय। तो बस अब हम लोग आ गए हैं घर वापस। हम लोग जा रहे हैं घर रिक्शे पे। काफ़ी थक गए हैं, बहुत पैदल चला, कितना एग्जैक्ट पता नहीं पर बहुत चला, बहुत ही ज़्यादा, और पैर पूरे सूज गए हैं। बस घर जाना है, चेंज करना है और लेट जाना है। बस गुड नाइट, गुड नाइट।